हुकूमत को बहुत टाइम दिया, अब बस। ऑपोजिशन का सब्र खत्म हो गया, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर जोड़ लिए गए। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका बैठक, खुर्शीद शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली मिलकर तैयार करने और मुल्क की मजमू सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमने किसी से NRO मांगा है और ना ही मांगेंगे, हुक्मरानों को खुद NRO की जरूरत पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। राणा सनाउल्ला ने कहा कि हम हुकूमत को 5 साल देने को तैयार हैं, क्या मुल्क तहम्मुल हो सकता है। शेख रशीद रोजाना घटिया गुफ्तगू करते हैं, साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कहा महंगाई का तूफान है और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। असद उमर ट्वीट्स में पेट्रोल 50 रुपए लीटर करने की बातें करते थे। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न सामने आ गया, तहरीके इंसाफ ने अपने वुजरा के सामने घुटने टेक दिए। सूबाई वुजरा की सवाब दीदी फंड्स खत्म ना किए जा सके, तहरीके इंसाफ ने अपने मंशूर में वुजरा के सवाब दीदी फंड्स खत्म करने का ऐलान किया था। ग्रीन टाउन के इलाका मादरे मिल्लत रोड पर सड़क में शगाफ पड़ गया, ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासर। इंतजामिया का कोई अहलकार घड़े को भरने के लिए ना पहुंचा, सड़क के बीच में पड़े घड़े से हादसे का खदशा। रायवन अड्डा प्लाट पर पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई, निजी तालीमी इदारों में मनशियात फरोश करने वाली खातून सदफ बीबी गिरफ्तार। मुलजिमा शेखुपुरा की रिहायशी है, 1.5 किलो क्राम चर्स और नशावर गोलियां बरामद। और सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का DGPHA डॉक्टर फैसल जहूर और आबिद मीर के हमराह जनाह कॉलोनी पार्क का दौरा, पार्क के तजयन आरइश करने की हदायत। मियां असलम इकबाल कहते हैं कि अपने हल्के को खूबसूरत बनाए।